तो चंडीगढ़ दे विच अजकल ईगल आई चलता है तुहाडे ते नज़र रखता है ते ट्रैफिक दे नियमां दी उलंघना करन ते तुहाडे खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के पत्रकार बजम वर्मा ने इस रिपोर्ट नूं भेजिया है। जो तुम चंडीगढ़ च वड़ रहे हो तो याद रखो, कोई तुहानू देख रहा है, कोई थोड़ा पिछा कर रहा है, कोई थोड़े ते नज़र रख रहा है। ये होर कोई नहीं, इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर दे नाल जुड़े कैमरे थोड़े ते नज़र रख रहे ने, जिहड़े कि चंडीगढ़ प्रशासन दे नाल जुड़े हुए ने। ते जे तुसी थोड़ी जी भी गलती करते हो, कोई ट्रैफिक लाइट टपदे हो या 60 तों वध दी स्पीड करते हो, सीट बेल्ट नहीं लाते, तो नाल ही थोड़े घर कुछ ही देर च चलान पहुँच जाएगा। किवें काम करदा है, इनू चंडीगढ़ का पेंटागन भी कहा जाता है, इनू चंडीगढ़ का ईगल आई भी कहा जाता है, जिहड़ा कि हर चप्पे चप्पे ते चंडीगढ़ यानी सिटी ब्यूटीफुल ते नज़र रखता है, चंडीगढ़ वासियां ते नज़र रखता है। आओ दिखाने कि किवें यह काम करता है ते कित्थे कित्थे तक इहदे कैमरे रात नू दिन नू धुप्प च बारिशां च किवें काम करते हैं, आओ दिखाने हैं। इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चंडीगढ़ च बन चुके हैं। इस वक्त असी खड़े हैं, इनू असी चंडीगढ़ का पेंटागन कह सकते हैं, ईगल आई कह सकते हैं, क्योंकि हर चाल से नज़र रखी जाती है चंडीगढ़ वासियों की इस इलाके तो, पूरे चंडीगढ़ की नज़र रखी जाती है इस छत थले। सब तो पहले एक तस्वीर, एक वाइड एंगल दिखा दें कि आखिरकार इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम किवें करता है, पर नाल दे नाल किस तरीके नाल इत्थे बह के चंडीगढ़ के हर सैक्टर के हर इलाके जिहड़ा है वो नज़र रखी जा सकती है। तो नाल दे नाल ना सिर्फ ट्रैफिक वायोलेशंस की गल करिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस की गल करिए, पर नाल दे नाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम किवें चल रहा है, साइकिल शेयरिंग किवें चल रही है, वो हर चीज़ इत्थे देखी जा सकती है। आशीष जी साढ़े नाल ने। आशीष जी, सब तो पहला इंटीग्रेटिड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ईगल आई ऑफ चंडीगढ़, पेंटागन ऑफ चंडीगढ़, हर तरीके नाल इह जिहड़ा एक छत थले हर चीज़ जी देखी जा सकती है, किवें सारा काम करता है। सर, यहाँ पे जितने भी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उन सबको हमने इंटीग्रेट करा है। उसके अलावा जो ट्रैफिक सर्वेलेंस है, जनरल सर्वेलेंस है, वो भी सब हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करी है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शहर में एक बज़ है चलानिंग का, वो भी यहीं से एग्जीक्यूट की जा रही है। हमारे तकरीबन 2000 कैमराज हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको यहीं से मॉनिटरिंग होती है। उनमें से 1000 कैमराज हैं जो सर्वेलेंस के लिए हैं और 1000 कैमराज हैं जिनके थ्रू हम यहाँ पे ट्रैफिक इन्फोर्समेंट को फॉलो करवा रहे हैं। सर, काफ़ी डर बैठे वे लोगों च, लोग कह रहे हैं कि चंडीगढ़ जाना है तो यदा मतलब पहले ही 60 तो थले की स्पीड रखो, सीट बेल्ट ला के रखो, क्योंकि पता नहीं कैमरा कद जूम करके जिहड़ी ने सीट बेल्ट नहीं भी लाई वह भी चलान कर सकता है। ये भी सारा कुछ सही है जिहड़ी गल्लां हो रही ने, बस की तुसीं गल कर रहे हो। सर, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना गलत नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को हमें फॉलो करना ही चाहिए। यू कैन सेव समबडीज लाइफ। हम लोग अपनी छोटी सी लापरवाही की वजह से अपने को भी डेंजर में डालते हैं और दूसरे को भी, तो इसलिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। आप ट्रैफिक रूल्स के नियम में रहते हुए, उनके हद में रहते हुए आप जैसे भी गाड़ी चलाएं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ट्रैफिक लाइट्स नहीं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंश्योर कर रहे हैं कि उन ट्रैफिक लाइट्स को लोग रिस्पेक्ट करें। असी देख रहे हैं पीछे अलर्ट्स, कैमराज, जंक्शंस, हाई वायोलेशन जोन, ATCS, पब्लिक बाइक शेयरिंग, बाइक नॉन अवेलेबल जोनस, ये सारा कुछ जड़ा है एक इतने ऑप्शन है जो तो पता लग सकता है कितने की हो रहे हैं। हाँ जी सर, जितनी भी सर्विसेज हैं जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उन सब के अंदर हम ये देख पाते हैं कि जैसे अभी आपने बात की हाई वॉल्यूशन जोन की, तो हम यहीं से बैठे हुए देख पाते हैं कि कौन से ऐसे जंक्शन हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूशन हो रही हैं। वॉल्यूशन ज़्यादा हो रही हैं तो क्या वहाँ पे हमें कुछ कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है या कोई और अवेयरनेस की ज़रूरत है जहाँ पे आप ये देख पाएँ कि कम वॉल्यूशन को करा जा सके। सिमिलरली अगर मैं पब्लिक बाइक शेयरिंग की बात करूँ, तो पब्लिक बाइक शेयरिंग में कौन से डॉकिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे पिछले कुछ समय से बाइक नहीं है, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से सीधा जो सर्विस सप्लायर है उनको दी जाती है ताकि आप फटाफट दे सकें। सर जी, गल करिए, क्योंकि असं ये देख रहे हैं बाइक शेयरिंग की गल कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं इतने, पर जो चलानिंग सिस्टम है, चलानिंग सिस्टम उही है, ऑनलाइन चलानिंग सिस्टम है या SMS दे राही आता है। एक व्यक्ति जो कोई वायोलेशन करता है किवें उहदा चलान जिहड़ा है वह भरिया जाता है, किवें वह चलान प्रोसैस की होंगे? सर, हमने चलानिंग डायरेक्शन को ऑटोमेट करा है। चलान का जो प्रोसेस है, चलान भरने का जो प्रोसेस है, वो वैसा ही है जैसे पहले था।
उसमें हमने कोई अपडेशन नहीं करी है। हमारा चलानिंग का प्रोसेस पहले वॉयलेशन को हम डिटेक्ट करते हैं कैमरा के थ्रू, कैमरा के थ्रू जो वॉयलेशन डिटेक्ट होती है वो यहाँ पे हमारे पुलिसकर्मी जो हैं वो चेक करते हैं, उन्हें वैलिडेट करते हैं। मैं ये बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कैमरा ऑटोमेटिक चलान नहीं बनाता है, लेट्स नॉट बी स्केयर्ड ऑफ दैट। अगर चलान बनाने की वजह है वाकई में और पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है कि पर्पसफुली डिसरिस्पेक्ट करा गया है, ट्रैफिक लाइट को तोड़ा गया है, तब आपका चलान बनता है। अगर आपकी कोई मतलब कोई और रीज़न है या कोई जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल जा रहा है तो आप यू आर गिविंग वे, तो वो सब यहाँ पे चेक किया जाता है, उसके बाद ही चलान बनाया जाता है। चेक किया जा रहा है, नोटिस कर रहे हैं सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं, शायद आही कारण है कि पहले दिन जी 3000 के करीब वॉयलेशन हुई सगियाँ, पर 250 तो 300 के करीब जो चलान वो कटे गए। हाँ जी, हमने पहले दिन 250 के करीब चलान बनाए थे, उसके बाद शायद हमने कुछ 325 के करीब चलान बनाए और धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिव करते जा रहे हैं। इसके अंदर आप भी देख पाएंगे कि हम नॉट ओनली रेड लाइट वॉयलेशन बट ओवर स्पीडिंग के चलान भी कर रहे हैं। तो आप ओवर स्पीडिंग में ही आप समझ सकते हैं कितनी डेंजरस है चंडीगढ़ के लिए, तो ओवर स्पीडिंग के चलान भी हम यहाँ से कर रहे हैं और रेड लाइट वॉयलेशन के भी। बिल्कुल, फिलहाल सब तो ज़्यादा चलान किस चीज़ से कटे जा रहे हैं, सब तो ज़्यादा वॉयलेशन किस चीज़ की हो रही है चंडीगढ़? इन दोनों को ही हम अभी फिलहाल मेजर कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट। आगे आने वाले दिनों में हम नो हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग जैसे चलान भी यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। मास्क का कोई चलान भी उस तरीके ना किया जा रहा है? अभी नहीं, अभी हमारा कोई इसमें प्लान नहीं है। और सीट बेल्ट का चलान? सीट बेल्ट का चलान जैसे पहले हो रहा था वैसे ही अभी किया जा रहा है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेन दो चीज़ों पर फोकस है, ओवर स्पीडिंग और रेड लाइट वॉयलेशन। पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है थोड़े को, क्योंकि ये कह रहे हैं लोग, ये भी देखा जाता है कि जब चंडीगढ़ से एंटर करते हैं गड्डी स्लो हो जाती है, सारे ट्रैफिक नॉर्म्स हूँ फॉलो करने शुरू कर रहे हैं लोग। जे पुराने समय की गल करिए जब सीसीटीवी कैमराज नहीं लगे सी, उस समय तो लेके हूँ तक कंपेयर करिए काफ़ी ज़्यादा हूँ जड़े ने अवेयरनेस आई है, चलान घट हो रहे हैं कि वध हो रहे हैं? सर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, पहले हमारे पास इतने कैमराज ही नहीं थे कि हम सबको चेक कर पाए। अब कैमराज ज़्यादा हो गए तो ऑफकोर्स चलान ज़्यादा होंगे ना। अगर पहले एक ही जगह, पहले पूरे चंडीगढ़ में 150 जंक्शन हैं और उसके अंदर सिर्फ 8 या 9 जंक्शन पे आप चेक कर रहे थे, आप उसी को आप अगर 40 जंक्शन पे चेक करेंगे तो ऑफकोर्स चलान की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो बढ़ रही, पर अवेयरनेस भी बढ़ रही है इस चीज़ में? ऑफकोर्स ऑफकोर्स, सेफ्टी नू बढ़ा रहे हैं, अवेयरनेस है, पर नाल दे नाल स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया, पर नाल दे नाल तुहानू दस दईए ईगल आई ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। तुहानू दस दें ये भी जानकारी जिहड़ी है वो मिल रही है कि 5 दिनों च 1819 चलान जिहड़े ने वह होए ने, पर नाल दे नाल तुहानू दस दईए पहले दिन 3000 के करीब वॉयलेशन आई सी जिहदे विच करीब 250 के करीब चलान कट्टे गए सी, क्योंकि इत्थे चैक करके जिहड़ा है वह चलान हुंदे ने। पर नाल दे नाल तुहानू दस दईए घट्टो घट 1318 ओवर स्पीडिंग के चलान सके, तो 501 जो लाल बत्ती जंप करने के जो चलान सामने आए हैं, तो कितने कितने ओवर स्पीडिंग तो रेड लाइट जंप जोड़ा है वो सब तो ज़्यादा इस वक्त चलान उसके कट्टे जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए थोनों भी समझने की लड़ है, समझने की लड़ है कि जब तुम गड्डी बह भी रहे हो, चाहे पंचकूला चो बह रहे हो, मोहाली चो, किसी भी इलाके तो बह रहे हो, चंडीगढ़ चाह रहे हो, तो जरूर इस चीज़ का ध्यान रखो कि गड्डी जी सट तो थले हो, पर हर एक ट्रैफिक नॉर्म ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਈਗਲ ਆਈ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਗਾ।